हमारी इस वीडियो की टॉपिक ये है कि फ्रिज के अंदर जब पंखे वगैरह चेंज करना हो या फिर कोई दिक्कतें आ रही हो, जैसे कि पंखे वहां पर नहीं चल रही है, तो इसके इस पार्ट को खोलना होता है। ये हमारी वीडियो की टॉपिक है, कैसे खोले मैं इस वीडियो में बताऊंगा खोलने के काफी सिंपल और आसान तरीके, जिससे आप जल्दी से खोल पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पार्ट को पहले निकालते हैं, स्लाइडर वाला होता है तो खींचकर बाहर आ जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं तो ये जो दो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लगे हुए हैं वहां पर स्क्रू लगा होता है। पेचकस, ये जो चाकू है, चाकू की मदद से और पेचकस की मदद से आप इसके अंदर के स्क्रू को खोल सकते हैं। तो ये जो चाकू है उसकी मदद से इसकी प्लास्टिक को बाहर निकालेंगे। देखें ये इस तरीके से ये जो प्लास्टिक है बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी देखते हैं तो ये देखिए बाहर आ जाएगा। फिर हम पेचकस लेंगे, पेचकस की मदद से इसमें लगी छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं उसको खोलना है। तो यहां पर स्क्रू ढीला हो चुका है और यहां पर भी जो स्क्रू है वो भी ढीला हो गया है। कई बार स्क्रू पेचकस के साथ बाहर आ जाती है, कई बार सिर्फ ढीला हो जाता है और उसी में ही रहती है। जब हम इसको देखते हैं खींचकर तो खुलता नहीं है, काफी ज्यादा टाइट हो चुका है। तो कैसे खोले आज के वीडियो की टॉपिक है, जल्दी से खोलने के तरीके हम इस वीडियो में बता रहे हैं। इसके पीछे आइस जमी हुई है, बर्फ, जिसके कारण ये जो पार्ट है वो चिपका हुआ है। अगर खींचते हैं जबरदस्ती ताकत लगाकर तो अंदर की ये पार्ट है वो टूट सकते हैं। तो इसको खोलने के लिए गर्म पानी का छिड़काव ऊपर से कर सकते हैं, जिससे इसमें जो चिपकी हुई बर्फ है वो टिघल जाए और पानी बन के पीछे चले जाए। तो यहां से जब बर्फ है वो निकल जाएगी तो ये पार्ट को आराम से खोल सकते हैं। मैं इस वीडियो में दूसरा शॉर्टकट तरीका बताता हूं जो कि काफी सिंपल है। फ्रिज के अंदर एक डिफ्रॉस्ट बटन लगा होता है, टाइमर। देखिए डिफ्रॉस्ट टाइमर में एक जगह सेटिंग ऐसी होती है, ये जो लाइनिंग देख पा रहे हैं डिफ्रॉस्ट टाइमर की, ये जो लाइन है और ये वाली लाइन, डिफ्रॉस्ट टाइमर को हम यहाँ पर इस तरीके से अगर घुमा देते हैं इस मोड पे तो ये जो दोनों लाइन आपस में जुड़ जाती हैं तो जो फ्रिज है वो डिफ्रॉस्टिंग मोड में चले जाता है। तो कंप्रेसर ऑफ हो जाती है और फ्रिज के अंदर हीटर चालू हो जाता है। और जब हीटर चालू हो जाएगा इसके अंदर तो इसमें जमी जो बर्फ है वो जल्दी से जल्दी गलने लगेगी। सिंपल एक सेटिंग करना है टाइमर में। देखिए टाइमर में इस लाइन को इस लाइन से मिलानी है, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, डबल डोर फ्रिज डिफ्रॉस्ट मोड पे आ जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर लगी हीटर है वो चालू हो जाती है और इसके अंदर जो बर्फ जमी है वो भी जल्दी से जल्दी घुलने लगता है। तो ये भी तरीका है शॉर्टकट और जल्दी खोलने की। तो जब गर्म पानी का छिड़काव कर लेंगे तो इसके अंदर से जो बर्फ है वो हट जाएगी। तो काफी सिंपल तरीके से ये पार्ट खुल जाता है। देखिए कैसे खुलेंगे, ये कैमरा थोड़ा सा जूम करके और दिखाते हैं चीजें यहां पर। ये देखिए इस तरीके से पार्ट खुल जाती है। उसके बाद आप चाहे तो इस फ्रिज का पंखा खराब हो गया है तो उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने अगली वीडियो में बताई पंखा कैसे चेक करते हैं, वो वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करेंगे तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो भी काम करना है, जो भी चीज़ें देखना है वो देख सकते हैं खोलकर। काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से मैंने वीडियो बताई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।